नमस्कार फ्रेंड्स, से वीडियो रे आपण माने जानिबाकू पाइबे कि आपण किपरि नुवा भोटर आईडी कार्ड पई ऑनलाइन रे आवेदन करि परिबे, एति पई पूरा प्रोसेस कोन रहिछि। देखंतु जदि आपणकर वयस 18 वर्ष होइ जाइछि किबा ताठर अधिका वर्ष वयस होइछि किंतु आपणक पाखरे भोटर आईडी कार्ड नाही, तेबे आपण चाहिले ऑनलाइन रे नुवा भोटर आईडी कार्ड पई आवेदन करि परिबे। देखंतु आपण ऑनलाइन रे आवेदन करिवार गोटिए मास मध्यरे आपणकर भोटर आईडी कार्ड टी अप्रूव होइ जइबो बा एक्सपेक्टेड हो जापर आपर भोटर आईड कार्ड को आपड़ चाहिए ऑनलाइन रू डाउनलोड करें बैपोस्ट में आपं घर को से नुआ भोटर आईड कार्ड टी आसो। तेणु ये वीडियो को आपण मैंने प्रथम रू शेष पर्यटन देखूँ। मुझे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जनईबी आपत किपर आपर मोबाइल फोन होवा कंप्यूटर लैपटॉप साइज़ में नुआ भोटर आईड कार्ड पर ऑनलाइन आवेदन करेंगे। तेणु चलत आउ डेरी करें वीडियो को स्टार्ट करवा, किंतु ता पूर्व आपको छोटिया अनुरोध, जदि आपर्त आम चैनल को सब्सक्राइब करना, आम चैनल वीडियो गुड़िक आपंक इनफर्मेट लगुच तेज निहत भाव फ्रेंड्स आपण मैंने आम चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। देखो एथप सर्वप्रथमें आपण मोबाइल फोन हो कि कंप्यूटर लैपटॉप जेकोसी ब्राउजर आसी गूगल ओपन करने को पड़ा। गूगल आपन सर्च करेंगे भोटर्स सर्विस पोर्टाल। देखो आपत जितेबाला भोटर सर्विस पोर्टाल सर्च करटार फास्ट वेबसाइट शो करु, वेबसाइटर ना हूँ भोटर्स डट ईसीआई डट जीओ भी डट इन। देखते ये वेबसाइट लिंक आपको ये भिडर डिस्क्रिप्सन में मिल जाव, सेठार लिंक ओपन कर सीधा सड़क ये वेबसाइट होम पेज पहुँच पारे। किंबा जदि सर्च कर आसार लिखा जा भोटर सर्विस पोर्टाल इलेक्शन कमिशन यार ऊपर क्लिक करूँ। तार ऊपर क्लिक कलापर देखूँ एमती भोटर सर्विस पोर्टाल ये ऑफिशियल वेबसाइट होम पेज टी ओपन होठार। देखूँ दुईट ऑप्शन रही, जदि आप पूर्व ये भोटर सर्विस पोर्टाल किंबा एनवीएसपी पोर्टाल साइन अप करते रजिस्ट्रेशन करते तेज आप सीधा सड़क लॉगिन ऊपर क्लिक करेंगे। जदि आप पूर्व साइन अप करना एठार साइन अप ऊपर क्लिक करूँ। जितेबाला आप साइन अप क्लिक करते फास्ट आपर मोबाइल नंबर दिंतु, आप जो मोबाइल नंबर अच्छी से मोबाइल नंबर टाइप कर निंतु। देखो आप जितेबाला मोबाइल नंबर को एंटर करते नेक्स्ट ऑप्शन रही ईमेल एड्रेस। जदि आप ईमेल आईडी अच्छी आपड़ी एटा ऑप्शनल अच्छी नदे चलो। देखो तापर नेक्स्ट ऑप्शन रही ये जो कैप्चा कोड लिखा जाइए ये फांका कर से कैप्चा कोड को सठिक भाव में एंटर कर निंतु। देखो आप कैप्चा कोड को एंटर कर सारापर एठार कंटिन्यू उपरे क्लिक करूँ। जितेबाला आप कंटिन्यू उपरे क्लिक करेंगे एमती एक नुआ पेजटे आस एठारे फास्ट नेम आपन टाइप करूँ। देखो आप जितेबाला फास्ट नेम एंटर करें टाइप करें यापर नेक्स्ट आपको लास्ट नेम बा टाइटल आपको एठारे एंटर करने पड़ो। चलो आम टाइटल टाइप कर नौचे यापर नेक्स्ट ऑप्शन पासवर्ड आपन स्क्रीन उपर देखिपे क्योंभि पासवर्ड क्रिएट करेंगे। एठार देखो आप जो पासवर्ड क्रिएट करते से पासवर्ड को आउ थे कनफर्म कर निंतु, से पासवर्ड को आउ थे टाइप कर निंतु। पासवर्ड को कनफर्म कलापर यापर देखो तले लिखा जाए रिक्वेस्ट ओटीपी, ए रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक करूँ। जितेबाला आप रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक करेंगे एठार देखो आपर जो मोबाइल नंबर देते से मोबाइल नंबर के एक वन टाइम पासवर्ड आसो ओटीपी के फांका कर भरी निंतु। ए ओटीपी भरी सारापर आप वेरीफाई उपर क्लिक करूँ। जितेबाला आप वेरीफाई उपर क्लिक करेंगे एठार लिखा आसव यू आर सक्सेसफुली साइंड अप काइंडली लॉगिन विथ योर न्यू क्रेडेंशियल्स एठार लॉगिन उपर क्लिक करूँ। देखो आप लॉगिन पेज को आसला एठार प्रथम आपर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दे दिंतु। साइन अप कला जो मोबाइल नंबर देते से मोबाइल नंबर को एठार एंटर कर निंतु। जितेबाला आप मोबाइल नंबर को एंटर करते नेक्स्ट ऑप्शन रही पासवर्ड। एठार आप साइन अप कला बेले जो पासवर्ड क्रिएट करते से पासवर्ड को एठार सठिक भाव में एंटर कर निंतु। देखो आप पासवर्ड फिलअप कर सारापर यापर जो कैप्चा कोड लिखा जाए फांका घर सठिक भाव से कैप्चा कोड को एंटर कर निंतु। कैप्चा कोड फिलअप कर सारापर यापर रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक करूँ। जितेबाला आप रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक करेंगे आप जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर देते से मोबाइल नंबर के एक वन टाइम पासवर्ड जीव ओटीपी जीव से ओटीपी को सठिक भाव में फिलअप करूँ। जितेबाला आप ओटीपी भरी ने यापर भेरीफाई एंड लॉगिन उपर क्लिक करूँ। देखो आप भेरीफाई एंड लॉगिन उपर क्लिक कलापर आप भोटर सर्विस पोर्टाल लॉगिन होगले एठार आपर प्रोफाइल नेम शो करु। एठार देखो लिखा जाए न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर जनरल इलेक्टर्स एठार देखो ता तले लिखा जाए फिल फॉर्म 6 यार उपर क्लिक करूँ। ये फिल फॉर्म 6 उपर क्लिक कलापर एठार एमती एक नुआ पेज टी ओपन हो। देखो एठार फास्ट आपन को एठार लैंग्वेज सिलेक्ट करा पड़ो। चलो एठार सिलेक्ट लैंग्वेज उपर क्लिक करूँ। एठार इंग्लिश सिलेक्ट कर नि तापर एठार आपर स्टेट सिलेक्ट करूँ। जेहेतु आम आज ओडा आम ओडा सिलेक्ट करवा यापर आपर डिस्ट्रिक्ट बा जिला सिलेक्ट करूँ। तापर देखूँ नेक्स्ट रही सिलेक्ट एससी अर्थात आसेंबली कन्स्टिट्युएन्सी आपर विधानसभा निर्वाचन मंडल को एठार सिलेक्ट कर नियंतु। देखो आप एससी आसेंबली कन्स्टिट्युएन्सी सिलेक्ट कलापर एठार नेक्स्ट उपर क्लिक करूँ। देखो एवं आपको पर्सनाल डिटेल्स भरवाक पड़ो। एठार आप्लिकांट फास्ट नेम टाइप करूँ। जदि आप्लिकांट मिडिल नेम थाए यही टाइप कर निंतु। देखो फास्ट नेम टाइप कलापर तले जो घर अच्छी सेठे माउस क्लिक करूँ बा क्लिक कर निंतु। एठार देखो जो नेम आप्लिकांट नेम इंग्राजी टाइप करेंगे से नेम टी तले ओडिया टाइप ही आसो। ओडिया किसी भूल थाए आपड़ उपर क्लिक करेंगे ठीक करें।
ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ନେମ୍ ଭରିସାରିବା ପରେ ଏହାପରେ ସର୍ନେମ୍ ବା ଟାଇଟେଲ୍ ଏଠାରେ ଟାଇପ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠି ଟାଇଟେଲ୍ଟି ଟାଇପ୍ କରିଛେ। ଏହାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ତଳେ ଯେଉଁ ଫାଙ୍କା କର ଅଛି ତାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଇଂଲିଶ ଯେଉଁ ଲେଖିଲେ ଟାଇଟେଲ୍ ଲେଖିଲେ ସେଟା ଓଡ଼ିଆରେ ଟାଇପ୍ ହୋଇ ଆସିବ। ଯଦି ଭୁଲ ଥାଏ ଏଠାରେ ଆପଣ କିବୋର୍ଡ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ତାକୁ ସଂଶୋଧନ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଆମେ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ନେମ୍ ସର୍ନେମ୍ ଟାଇପ୍ କରିଛେ ଓଡ଼ିଆରେ, ଏଟା ଅଟୋମେଟିକ୍ ଟାଇପ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ରହିଛି ଅପଲୋଡ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟଙ୍କର ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ଗୋଟେ ଅପଲୋଡ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସାଇଜ୍ 2 MB, ସର୍ବାଧିକ 2 MB ହୋଇଥିବ, ଏବଂ JPG ଏବଂ JPEG ଫର୍ମାଟ୍ ରହିଥିବ। ଏଠାରେ ଚୁଜ୍ ଫାଇଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଚୁଜ୍ ଫାଇଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଠାରେ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟଙ୍କର ଯେଉଁ ଫାଇଲ୍ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟଙ୍କ ଫଟୋ ରଖୁଛନ୍ତି ସେ ଫଟୋଟି ଓପନ୍ ହୋଇଯିବ। ଏଠାରେ ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ଜୁମ୍ ଇନ୍ ଜୁମ୍ ଆଉଟ୍ କରିପାରିବେ। ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ ଉପରେ ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଫଟୋ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଠାରେ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏଠି ସେଭ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ସେଭ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ଲେଖା ଆସିବ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଫେସ୍ ଡିଟେକ୍ଟେଡ୍ ସକ୍ସେସ୍ଫୁଲି। ଏଠାରେ ଓକେ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆମେ ଫଟୋ ଅପଲୋଡ଼ କରିଛେ, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଥାର୍ଡ଼ ଷ୍ଟେପ୍ ରହିଛି ନେମ୍ ଆଣ୍ଡ ସର୍ନେମ୍ ଅଫ୍ ଏନି ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ରିଲେଟିଭ୍ସ। ଏଠାରେ ରିଲେଟିଭ୍ସକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ପୁରୁଷଙ୍କ ନାଁରେ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ବା ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ଜଣକ ପୁଅ ପିଲା ଅଟନ୍ତି, ତେବେ ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ରିଲେଟିଭ୍ସ ଜାଗାରେ ଫାଦରଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିପାରିବେ। କିମ୍ବା ଯଦି ଝିଅ ପିଲାଙ୍କ ନାଁରେ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି, ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ଜଣକ ଝିଅ ପିଲା ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ସେ ମ୍ୟାରିଡ଼୍ ଅଟନ୍ତି, ତେବେ ଚାହିଁଲେ ତାଙ୍କର ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡଙ୍କ ଏଠାରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଠି ରିଲେଟିଭ୍ ସିଲେକ୍ଟ କଲା ପରେ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ବକ୍ସ ଓପନ୍ ହୋଇଯିବ। ଏଠାରେ ଯାହାଙ୍କୁ ରିଲେଟିଭ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ନେମ୍ ଏଠାରେ ଟାଇପ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ରିଲେଟିଭ୍ଙ୍କ ଫାର୍ଷ୍ଟ ନେମ୍ ଟାଇପ୍ କରିବେ, ଏହାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତଳେ ଗୋଟେ ଫାଙ୍କା ଘର ଅଛି ତାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ମାଉସ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଇଂଲିଶରେ ଯେଉଁ ରିଲେଟିଭ୍ଙ୍କ ନେମ୍ ଟାଇପ୍ କଲେ ସେଟା ଓଡ଼ିଆରେ ଟାଇପ୍ ହୋଇ ଆସିଥିବ। ଯଦି ଓଡ଼ିଆରେ କିଛି ଭୁଲ ଥାଏ ଆପଣ ଏଠି କିବୋର୍ଡ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ତାକୁ ସଂଶୋଧନ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରିଲେଟିଭ୍ଙ୍କ ସର୍ନେମ୍ ଏଠାରେ ବା ଟାଇଟେଲ୍ ଏଠାରେ ଟାଇପ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ତଳେ ଯେଉଁ ଫାଙ୍କା ଘର ଅଛି ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍, ତାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ତାଙ୍କର ଟାଇଟେଲ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ ଲେଖା ହୋଇ ଆସିଯିବ। ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଥାଏ ତାକୁ ଏଠି କିବୋର୍ଡ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ସଂଶୋଧନ କରିପାରିବେ। ଏହାପରେ ନେକ୍ସଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫୋର୍ଥ ଷ୍ଟେପ୍, ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟଙ୍କର, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାଙ୍କ ନାଁରେ ଆପଣ ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯଦି ନିଜର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଅଛି ଏଠାରେ ସେଲ୍ଫ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦେବେ, ଏହି ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରଟି ଆପଣଙ୍କର ଭୋଟର ଆଇଡ଼ି କାର୍ଡ଼ ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ ହୋଇ ରହିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ମାନି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ଆବେଦନ କଲେ ଏବଂ ସେ ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ଟି ବାଇ ପୋଷ୍ଟରେ ଆସିବା ପାଇଁ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି, ଲେଟ୍ ହେଉଛି, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଭୋଟର ଆଇଡ଼ି କାର୍ଡ଼କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ଟି ହଜିଯାଏ, ଚୋରି ହୋଇଯାଏ ବା କେଉଁଠି ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା, ଆପଣ ସେ ଭୋଟର ଆଇଡ଼ି କାର୍ଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଜରିଆରେ ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ରୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆମେ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଟାଇପ୍ କରିନେବା। ଏଠାରେ ଆପଣ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଭରିସାରିବା ପରେ ଏଠାରେ ସେଣ୍ଡ ଓଟିପି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦେଲେ ସେ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରକୁ ଏକ ଓଟିପି ବା ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଆସିବ, ସେ ଓଟିପିକୁ ଏଠାରେ ଭରି ନିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଠାରେ ଓଟିପି ଭରିସାରିବା ପରେ ଭେରିଫାଏ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ଲେଖା ଆସିବ ଓଟିପି ଭେରିଫାଏଡ଼। ଏହାପରେ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ଥାଏ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ, ଏଇଟା ମାଣ୍ଡାଟୋରୀ ନାହିଁ ବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନାହିଁ, ଆମେ ଛାଡ଼ିପାରିବା। ଏହାପରେ ନେକ୍ସଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଠାରେ ଆଧାର ଡିଟେଲ୍ସ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏଠାରେ ଆଧାର ନମ୍ବର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଧାର ନମ୍ବର ନାହିଁ ଆପଣ ଆରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ଆଧାର ନମ୍ବର ଅଛି, ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟଙ୍କ ଆଧାର ନମ୍ବର ଅଛି। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଧାର ନମ୍ବର ଉପରେ ସିଲେକ୍ଟ କଲା ପରେ ଏଠାରେ ଫାଙ୍କା ଘର ଓପନ୍ ହୋଇଯିବ। ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ବା ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବର ଏଣ୍ଟର କରନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଧାର ନମ୍ବର ଏଣ୍ଟର କରିସାରିବା ପରେ ଏଠାରେ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଜେଣ୍ଡର ଏଠାରେ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ଜେଣ୍ଡର ଯାହା ହୋଇଥିବ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ବା ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟଙ୍କ ଜେଣ୍ଡର ଏଠାରେ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଡିଟେଲ୍ ସେଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କିପରି ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଦେବେ, ଏଠାରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଡେ ଦେବେ, ତାପରେ ମନ୍ଥ, ତାପରେ ଇୟର୍, ଇୟର୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ, ଏହାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଜ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ସପୋର୍ଟିଂ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତଳେ ଯେଉଁ ଲେଖାଯାଇଛି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଫର୍ ପ୍ରୁଫ୍ ଅଫ୍ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ, ଏହି ଗୋଲେଇ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏଠାରେ ସିଲେକ୍ଟ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଜ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ଭାବରେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବାର୍ଥ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ପାନ୍ କାର୍ଡ଼, ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ, ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କିମ୍ବା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପାସପୋର୍ଟ ଯାହା ଆପଣ ଏଠାରେ ଦେଇପାରିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଠିକ୍ ଅଛି ସେଇ ଡକୁମେଣ୍ଟକୁ ଏଠାରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ଏଠି ଚୁଜ୍ ଫାଇଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ସେଇ ଡକୁମେଣ୍ଟକୁ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଡକୁମେଣ୍ଟର ସାଇଜ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 2 MB, 2 MB ଭିତରେ ହୋଇଥିବ, JPG, PNG, PDF ଫର୍ମାଟ୍ରେ ହେଲେ ଚଳିବ। ଏଠାରେ ଚୁଜ୍ ଫାଇଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଠି ରଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟଟି ଅପଲୋଡ଼୍ କଲା ପରେ ଏଠାରେ ନେକ୍ସଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଭରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରହିଛି ହାଉସ୍ ଅର୍ ବିଲ୍ଡିଂ ଅର୍ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନମ୍ବର, ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡରେ ରହିଛି ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍, ଏରିଆ, ଲୋକାଲିଟି, ମହଲା, ରୋଡ଼, ଏଗୁଡ଼ା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଜାଗାରେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭିଲେଜ୍ ନେମ୍ ଦେଇପାରିବେ। ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଭିଲେଜ୍ ନେମ୍ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଉପରେ ଯେଉଁ ଇଂରାଜୀରେ ଭିଲେଜ୍ ନେମ୍ ଟାଇପ୍ କରିବେ, ତଳେ ଯେଉଁ ଘର ଅଛି ଫାଙ୍କା ଘର ସେଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଭିଲେଜ୍ ନେମ୍ଟି ଓଡ଼ିଆରେ ଟାଇପ୍ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଭିଲେଜ୍ ନେମ୍ଟି
एठारे ओडिया रे टाइप हेला परे भूल आसुची एठारे चाहिले आपण कीबोर्ड उपरे क्लिक करी आपणकर विलेज नेम को ओडिया रे सठिक करि परिबे किंबा आपण चाहिले ब्राउजर ओपन करी गूगल इनपुट टूल सर्च करंतु एठारे ए फर्स्ट वेबसाइट उपरे क्लिक करंतु एठारे ट्राई डाउट उपरे क्लिक करंतु तापर देखंतु एठारे इंग्लिश जो लैंग्वेज अछि तार उपरे क्लिक करंतु एठारे ओडिया सिलेक्ट करंतु तापर एठारे इंग्लिश रे आपणकर विलेज नेम को टाइप करंतु यापर देखंतु लक्ष्य करंतु ए जो जगह जो ओडियाटा ठीक आसुची आपणकर विलेज रो विलेज नेम टी ताको एठारे सिलेक्ट करंतु यापर कॉपी कर दियंतु कंट्रोल सी मारंतु कॉपी हे जिवो तापर एठारे आपणकर जो गांव ना बा विलेज नेम भूल आसुथिबो ताको एठारे पेस्ट कर दियंतु बा टाइप करंतु एठारे आपणकर विलेज नेम टी ठीक हे जिवो यापर देखंतु जो स्ट्रीट एरिया लोकालिटी मोहला रोड ए जगह रे मध्ये आपण आपणकर विलेज नेम टाइप करि परिबे तापर जो तळघर पांकाघर तारि परे क्लिक करिबे आपणकर विलेज नेम आसी जिवो जदी भूल आसुथि आपण ताको जो भाबरे कहिली गूगल इनपुट टूल एठारे ताको सेही प्रोसेस रे ताको करिबे सठिक करि परिबे से उडिया स्पेलिंग एठारेनी पेस्ट करि नेबे देखंतु या पर नेक्स्ट ऑप्शन रही छि विलेज और टाउन अर्थात आपणकर विलेज नेम एठारे भरिबाक पडिबो चलंतु आमे एठी विलेज नेम भरि नउछे तापर तळे से भांगाकर सेम प्रोसेस तारि परे क्लिक करिबे विलेज नेम टी ओडिया रे आसी जिवो देखंतु जदी आपणकर विलेज नेम टी भूल आसुछि एठारे चाहिले आपण कीबोर्ड उपरे क्लिक करि सठिक करि परिबे जदी एठारे सठिक करि परनांदी जेमिति प्रोसेस आपण कहिली गूगल इनपुट टूल एठारे आपणकर विलेज नेम इंग्राजी टाइप करिबे तार ओडिया आसी जिवो से ओडिया टू आपण कॉपी कर नियंतु एठारे पेस्ट कर नियंतु देखंतु या पर नेक्स्ट ऑप्शन रहिछि पोस्ट ऑफिस आपणकर पोस्ट ऑफिस जा एठारे टाइप कर नियंतु एठारे देखंतु पोस्ट ऑफिस इंग्लिश रे टाइप कला परे तळे जो फांका करछि तार उपरे क्लिक करंतु एठारे आपणकर पोस्ट ऑफिस नेम ओडिया रे आसी जिवो जदि भूल आसुछि एठारे कीबोर्ड उपरे क्लिक करिवे ताकु सठिक करि परिवे तापर देखंतु पिन कोड एठारे आपणकर टाइप कर नियंतु देखंतु या पर नेक्स्ट ऑप्शन रहिछि तहसील आपणकर तहसील नेम को एठारे सठिक भाबरे टाइप कर नियंतु देखंतु इंग्लिश रे टाइप कला परे तळे जो फांका करछि तार उपरे क्लिक करिवे एठारे से नेम टी आसी जिवो ओडिया रे टाइप हे जिवो जदि भूल आसी आपण गूगल इनपुट टूल को जिवे एठारे आपणकर तहसील नेम को इंग्राजी रे लेखिबे जेमिति कहली से प्रोसेस करिवे एठारे देखंतु जो ओडिया ठीक तार उपरे क्लिक करिवे एठारे ताकु कंट्रोल सी करी कॉपी करि नेबे या पर देखंतु से स्पेलिंग टा कोठारे जहां आपण कॉपी गले ताकु एठारे पेस्ट करि नेबे देखंतु एठारे आपणकर सठिक नेम एमिति टाइप करि परिबे किबा एठारे कीबोर्ड उपरे क्लिक करी एठारे मध्ये नेम को ओडिया नेम को सठिक करि परिबे तापर देखंतु एठा डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करंतु एठा देखंतु डिस्ट्रिक्ट आसीबो सिलेक्ट करनेबे देखंतु या पर आपण को एड्रेस प्रूफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करबा को पडिबो एठा जो लेखा जाइछि डॉक्यूमेंट फॉर प्रूफ ऑफ रेसिडेंस एयर उपरे क्लिक करंतु एठी सिलेक्ट डॉक्यूमेंट उपरे क्लिक करंतु एठा देखंतु आपण चाहिले आधार कार्ड आपणकर बैंक पासबुक इंडियन पासपोर्ट एई सब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करि परिबे बेटर हो आपण को पाखरे आधार कार्ड थिबो एठा आधार कार्ड सिलेक्ट करंतु तापर देखंतु आपण एठा जेउ डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करिवे एठी चूज फाइल उपरे क्लिक करी से डॉक्यूमेंट को अपलोड करंतु सेई डॉक्यूमेंट रो साइज मैक्सिमम 2 MB को फॉर्मेट हेतो देखंतु जेपीजी पीएनजी पीडीएफ फॉर्मेट रे चलिबो चूज फाइल उपरे क्लिक करंतु आपणकर जो डॉक्यूमेंट आपण सिलेक्ट करले से डॉक्यूमेंट को अपलोड करि नियंतु देखंतु आपण प्रूफ ऑफ रेसिडेंट डॉक्यूमेंट अपलोड कला पर एठारे नेक्स्ट उपरे क्लिक करंतु तापर देखंतु जदी आपण डिसेबिलिटी पर्सन हेतिबे एठारे आपणकर डिसेबिलिटी डिटेल्स देई परिबे चलंतु आमे आकु छाडी दउ छै एठारे आपण नेक्स्ट उपरे क्लिक करंतु या पर पुनी थरे नेक्स्ट उपरे क्लिक करंतु एठारे देखंतु आपणकर विलेज नेम को टाइप करंतु चलंतु आमे एठी विलेज नेम को टाइप करिजे या पर देखंतु आपणकु स्टेट सिलेक्ट करयाकु पडिबो एठी ओडिसा सिलेक्ट करि नियंतु एठा देखंतु स्टेट सिलेक्ट कला पर आपणकर डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करंतु या पर देखंतु ए ऑप्शन टी रहिछि एही जगह रे आपण जो एड्रेस देले से एड्रेस रे एप्लिकेंट जणक केते वर्ष हेलानी रहिलेनी आपण केठारे केउ इयरु रहिलेनी से मसिया टेटर आपणक दवा पय पडिबो चलंतु ए तारीख टी आमे दे दउ छे देखंतु या पर तळकु स्क्रोल करिवे एठा देखंतु प्लेस जगह रे आपणकर विलेज नेम को टाइप करंतु एठा चलंतु आमे विलेज नेम को टाइप करिछे या पर जेउ दिन आपण अप्लाई करछन से डेट एठा शो करथिबो या पर देखंतु नेक्स्ट उपरे क्लिक करंतु तापर देखंतु एठा जो कैप्चा कोड लिखा जाइछि ए फांका करे से कैप्चा कोड को सठिक भाबर फिल अप कर नियंतु देखंतु कैप्चा कोड फिल अप कला पर या पर प्रीव्यू एंड सबमिट लिखा जाइछि तारि उपरे क्लिक करंतु एयर उपरे क्लिक कला पर देखि परथिबे आमे वर्तमान फॉर्म 6 फिल अप करि सारिछे वर्तमान पर्यंत आपण जहां सब फिल अप कले आपण देखि परबे एप्लिकेंट को पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ या पर आपणकर जो डिटेल्स देले एप्लिकेंट को नेम एवं रिलेटिव नेम तांकर मोबाइल नंबर आधार नंबर जेंडर एवं आपणकर जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देले डेट ऑफ बर्थ आ गुटे देले जो प्रूफ ऑफ रेसिडेंस ए सब डॉक्यूमेंट कोन देले तापर एठार देखंतु आपणकर प्रेजेंट एड्रेस जो सिलेक्ट कले से सब डिटेल्स देखि परिबे एटा देखंतु एमिति तळकु स्क्रोल करि आसंतु सब डिटेल्स को भलसे चेक करंतु भल भाबरे चेक करंतु जदी एठार किछि भूल विवरणी देथांती एटा चेक कला पर आपण देखुछंति कोनसी भूल विवरणी देइछंती एटा चाहिले आपण पाखरे आउट सुजोग अछि आपण एठी कीप एडिटिंग उपरे क्लिक करी से डिटेल्स को ठीक करि परबे जदी आपण एठार सब डिटेल्स ठीक देइछंती या पर देखंतु आपण एठी सबमिट लेखा जाइछि सबमिट उपरे क्लिक करंतु
एठारे एस उपरे क्लिक करूँ देखो आप एस उपरे क्लिक कलापर एमती नुआ एक पेज आसी लिखाई आक्नोलेजमेंट देखो ये लिखाई योर आप्लिकेसन हाज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली एंड जेनेटेड रेफरेन्स नंबर इज एटा देखो आप गोटे रेफरेन्स नंबर मिल जाऊँगी यही रेफरेन्स नंबर मध्यम आपन आप्लिकेसन को ट्राक करेंगे आपंकर भोटर कार्ड जो आप्लाय कले एक्सपेक्ट है कि नहीं देखो जो लिखा जाए तले डाउनलोड आक्नोलेजमेंट यार उपरे क्लिक करूँ आपंकर मोबाइल फोन किंवा लैपटॉप कंप्यूटर जो थे आप डाउनलोड कले से फाइल टी आपंकर पीडीएफ टी डाउनलोड हो देखो ये भाव से ओपन हम एटे आप देखिपारे ये जगह देखो आपंकर आक्नोलेजमेंट नंबर शो करुँ यही नंबर जरिए आप ट्राक करेंगे चलते आम जाना आप किप ट्राक करेंगे पुणी आउ थे होम पेज को आसतु एटे देखो वोटर सर्विस पोर्टाल होम पेज को आसला राइट साइड को लक्ष्य करूँ सर्विसेस लिखा जाटा देखो फास्ट ऑप्शन अच्छी ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस यार उपर क्लिक करूँ एटे देखो आसगला ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस एटे देखो रेफरेन्स नंबर मागुची ए फांका आप रेफरेन्स नंबर को टाइप करनी देखो स्टेट सिलेक्ट करूँ ओडिशा ठार सिलेक्ट करनी सबमिट उपरे क्लिक करूँ सबमिट उपरे क्लिक कला तौक लक्ष्य करूँ एटे आसीजी पूरा डिटेल्स रेफरेन्स नंबर स्टेट आसेंबली कन्स्टिट्युएंसी फास्ट नेम आप जहाँ सब भरीते देखिपारे देखो करेन्ट स्टाटस सबमिटेड देखा जेहेतु आम एवं आवेदन कले एटा देखो आर मार्क उपर क्लिक करेंगे एटे डाउन आर उपर क्लिक करेंगे एटे देखिपर सबमिटेड डेट देखो जो दिन आवेदन करते अप्लाई कले देखो आप गोटे मस अपेक्षा करूँ गोटे वन मंथ भितर जदि आप निर्भुल भाव में सब डिटेल्स सठिक देखते गोटे मस मधे आपंकर ये भोटर कार्ड टी आप्रूव हो आक्सेप्टेड होपर आपंकर बैपोस्ट आप घर को ये भोटर कार्ड टी आसो कि अनलाइन चाहिए भोटर कार्ड को डाउनलोड करेंगे देखो भोटर कार्ड टी होगापर आप किपर डाउनलोड करेंगे आम चैनल से गोटे वीडियो अपलोड हो सारी से वीडियो को आप आई बटन में देखिपारे कि वीडियोर डिस्क्रिप्शन से वीडियो लिंक अच्छे से पाइबे भावुँचे भिडियो आपंप बहुत ही गुरुत्वपूर्ण था जदि भिडियो एपर्त भिडियो को लाइक करना लाइक टे करूँ आपंकर सांगसाथी सेयार करूँ समस्ते जापरेंगे विदा दिंतु नमस्कार जय हिंद जय भारत जय जगन्नाथ।